देखो और सीखो की वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन से अवगत होते रहें। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने 3 प्रश्न पूछे थे आपको पहेली के रूप में। मैं याद दिलाना चाहूंगी, आप पहले वीडियो देख लीजिए फिर आपको खुद याद आ जाएगा। दो राहगीर कहीं जा रहे थे, उनमें से एक राहगीर ने दूसरे राहगीर से कहा कि मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उत्सुकतावश पहले राहगीर ने कहा, राहगीर कहते हैं जो रास्ते में चलता है साथ में उसको, उसने कहा कि पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं 3 प्रश्न पूछूंगा, जिसमें पहला प्रश्न ये होगा कि दुनिया में बुद्धिमान अधिक है या कि मूर्ख अधिक है। ठीक है, दुनिया में बुद्धिमान ज्यादा लोग हैं या कि मूर्ख। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न मेरा ये होगा कि दुनिया में जीवित ज्यादा लोग हैं या कि मुर्दा, यानी कि जितने लोग दुनिया में हैं उसमें से लोग ज्यादा मरते हैं या कि धरती पे लोग जीवित ज्यादा हैं। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरा ये है, तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि दुनिया में स्त्रियां अधिक हैं या कि पुरुष, यानी कि पूरी धरती पे आप मुझे बताओ कि इस धरती पे पुरुष की संख्या ज्यादा है या कि स्त्रियों की संख्या। तीनों प्रश्नों को सुनकर पहला राहगीर जो था असमंजस में पड़ गया। वो सोच नहीं पा रहा था कि एक से बढ़ के एक क्वेश्चन, एक से बढ़ के एक प्रश्न, इसको कहाँ से सोचा। तब तक जो दूसरा राहगीर था बेचैन हो गया उत्तर जानने के लिए कि प्लीज मुझे जल्दी से जल्दी उत्तर बताइए। लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन तो मुझे खुद भी है, अब जरा इसको कमेंट में आप बताइए तो तीनों के प्रश्न क्या हो सकते हैं उत्तर इसका। तो देखा बच्चों, ये था पिछला प्रश्न जिसका जवाब आप लोगों ने बहुत कम दिया था कमेंट में, कई लोगों ने नहीं दिया था, तो मैं इसका जवाब बताना चाहूंगी। पहला सवाल था कि इस संसार में समझदार ज्यादा हैं या मूर्ख व्यक्ति, तो इसका सही जवाब है कि इस दुनिया में पूरे संसार में समझदार व्यक्ति बहुत कम है और मूर्खों की संख्या सबसे ज्यादा है। कैसे, ये मैं एक्सप्लेन करके बताना चाहूंगी। पहली तो ये कि सबको बहुत ज्यादा घमंड है, कोई कम पैसे का हो ज्यादा पैसे का हो, थोड़ा में रहता हो ज्यादा में रहता हो, लेकिन प्रति व्यक्ति आजकल इतना अहम से भरा मनुष्य हो गया है कि उसको अपने आप को समझदार समझता है, बाकी सारी दुनिया को वो मूर्ख समझता है। पहली उसकी ये नादानी होती है। दूसरा, ईर्ष्या इतनी ज्यादा है लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, इनकी जलन जलन इतनी ज्यादा है, ये भी एक मूर्खता ही तो है। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जैसे अज्ञानता हुआ, लोग कम जानते हैं फिर भी अपने आप को ज्यादा समझते हैं, ये भी मूर्खता है। लोग जितना भी जानते हैं, कहीं जरूरी नहीं है कि कम पढ़े लिखे ही, पढ़े लिखे लोग भी जो हैं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, पुलिस है, वकील हैं, जज हैं, जो भी हैं, सारे लोगों के लिए ये होती है। पूरे संसार में सभी लोग जिस भी पोस्ट पे हैं, बच्चे हों, बड़े हों, नादान हों, औरतें हों, स्त्रियां हों, लड़कियां हों, सबके लिए एक ही बात है कि वो ये नादानी नहीं समझते हैं, नादानी कर जाते हैं कि उनके पास सबसे ज़्यादा बुद्धि है, उनके पास ज़्यादा धन है, या जिसके पास धन नहीं है उसके लिए भी कई लोग सोचते हैं मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, या कई लोगों को ये होता है मैं ज़्यादा दान पुण्य करता हूँ। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताती। तो इससे पता चलता है हमारी मानसिकता का, है ना, और ये मानसिकता ही हमें मूर्ख साबित करती है। यदि हमारे अंदर इतनी बुद्धि होती, इतनी ज्ञानता होती, तो हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि संसार एक मोह माया है और यहाँ पे कोई बड़ा छोटा बड़ा ऊंच नीच कोई भी नहीं है। ज्यादा जानकारी या कम जानकारी, ठीक है, किसी को ज्यादा जानकारी होती है, किसी को कम जानकारी होती है, किसी को ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, ज्यादा पैसे होते हैं, किसी के पास कम पैसे होते हैं, लेकिन
सबका मालिक एक है, सबका भगवान एक है, हम इसे ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु या कोई भी चीज कहते हैं, लेकिन ऊपर वाला बस एक ही इंसान को बनाया है, वो ना बड़ा बनाया है ना छोटा बनाया है, लेकिन नहीं समझते हैं ऐसा, यही हमारी मूर्खता है। ठीक है, तो ये हो गया पहले सवाल का जवाब। अब हमारा दूसरा सवाल क्या था कि संसार में जीवित लोगों की संख्या अधिक है या कि मुर्दे की, तो इसका जवाब मैं बताना चाहूंगी कि जीवित सिर्फ जान रहने से शरीर में नहीं होती है, जीवित रहने से अर्थ ये है कि हम अज्ञानी हैं या ज्ञानी हैं, है ना, यानी कि जिंदा उसको भी कहते हैं जो कि सांसें चलती हैं, इसको भी कहते हैं, ये तो सभी जानते हैं, परंतु एक जिंदा दिली से जो जीता है, यानी कि हमेशा खुश रहता है, दूसरों को खुशी देता है, हमेशा खुशी हंसी खुशी माहौल बनाए रहता है, जहाँ भी जाता है अपनी खुशियाँ छोड़ देता है, वो एक जीवित रहने का प्रमाण होता है। लेकिन मुर्दा इसको भी कहते हैं कि जिसको अज्ञानता हो, मुर्दा हो, यानी कि जिंदगी में निराश हो चुका हो, उसको कोई चीज़ नहीं चाहिए, किसी से मतलब नहीं है, अपने आप में रहता है, तो वो भी एक तरह से उदाहरण में मुहावरे में मरे हुए के समान है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दुनिया में जीवित भी लोगों की संख्या ज़्यादा है और मुर्दे लोगों की भी संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको 50-50 में हम कर सकते हैं, यानी कि आधे लोग दुनिया में जिंदा भी रहने के समान होते हैं, यानी कि जिंदा दिल से जीते हैं, और मरते हैं जो सिर्फ लाश को ही नहीं कहते हैं, मरे हुए व्यक्ति निराशावादी व्यक्ति को भी हम मुर्दा ही समान कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दूसरे प्रश्न का जवाब हो गया। अब हमारा तीसरा और लास्ट प्रश्न क्या था, आखिरी प्रश्न ये था कि संसार में स्त्रियां ज्यादा हैं या कि पुरुष। तो इस प्रश्न का जवाब ये होगा कि एक सर्वे में पाया गया है कि संसार में स्त्रियों की संख्या ज्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, तो ये रहा तीसरे प्रश्न का जवाब। ठीक है बच्चों, चलिए इतना ही से वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर इसी तरह के और भी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है, बाय बाय।